हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BK24 स्टडी जोन। ये हमारी GK सीरीज़ की वीडियो नंबर 7 है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये हम लोग पूरे के पूरे GK सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज से, वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आई बटन पर आपको इसी सीरीज़ के और वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग देख सकते हैं, एक दो बार देखिएगा, रिविज़न करिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पढ़ूंगा, 2 से 4 सेकंड का टाइम आपको दूंगा, उतनी देर में आप अपना आंसर सिलेक्ट करिएगा, देन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप इनमें से कितने आंसर सही कर पाए हैं। टोटल 30 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं आपको डिटेल में भी बताऊँगा, तो ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको और ज़्यादा फायदा हो पूरा वीडियो देखने के बाद। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सर्वाधिक सीमा रेखा किस देश के साथ है। भारत की सर्वाधिक सीमा रेखा किस देश के साथ है? सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक सीमा रेखा है। करीब 4096.70 किलोमीटर जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थलीय सीमा है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था। मैकमोहन रेखा जो कि भारत और तिब्बत या फिर भारत और चीन के बीच में आप बोल सकते हैं, तो इसका निर्धारण कब किया गया था? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 1914 में किया गया था। शिमला समझौता आपने सुना होगा, तो उसी के तहत जो है इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। भारत इस सीमा रेखा को मानता है, लेकिन चीन की तरफ से इस सीमा रेखा को नहीं माना जाता है। चीन का कहना है कि तिब्बत जो है वो बेसिकली उसी का पार्ट है, तो इसलिए जो है उसको ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी देश के साथ जो है सीमा रेखा तय करे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे फिलहाल में कि मैकमोहन रेखा है किस चीज़ की, है कौन से देशों के बीच में और ये कब निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि आकाशगंगा की आकृति है कैसी है, आकाशगंगा की आकृति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि सर्पिलाकार है आकाशगंगा की आकृति। और जो कई विद्वान हैं वो कहते हैं कि अंडाकार है, कुछ लोग बोलते हैं किसी कोई आकृति नहीं है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मत जो माना गया है वो सर्पिलाकार माना गया है, यानी कि ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसने कहा था पृथ्वी गोल है। तो पाइथागोरस ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी गोल है। ये मत पाइथागोरस का नाम पूरी दुनिया में माना हुआ नाम है, हालांकि हम लोग दावा करते हैं कि हम भारतीय के कई हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो पहले ही ये जान चुके थे कि पृथ्वी गोल है, लेकिन पाइथागोरस को जो है प्रमाणिक तौर पर पूरे विश्व में जाना जाता है कि इन्होंने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि दुग्ध मेखला, यानी कि दुग्ध मेखला को बोलेंगे इंग्लिश में मिल्क वे, क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि मंदाकिनी है मिल्क वे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टेन, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की कि हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये एक अनुमान के अनुसार यहाँ पर जो है हजारों नहीं लाखों में झीलें हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसको हजार झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद मध्य प्रदेश का नाम आता है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि लेह में सबसे कम वर्षा होती है। मासिनराम में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, जो कि मेघालय में है। इसके अलावा चेरापूंजी में भी सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चेरापूंजी का नाम भी आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए, चेरापूंजी। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, मिडनाइट सन के नाम से कौन से देश को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की कि भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है।
तो भारत का पेरिस कहा जाता है जयपुर को, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर को इसलिए कहा जाता है भारत का शहर क्योंकि जयपुर बहुत ही सुंदर शहर है, इसके अलावा बहुत ऐतिहासिक शहर है, और साथ ही साथ जिस तरीके से पेरिस में पर्यटन बहुत ज़्यादा है उसी तरीके से जयपुर में भी पर्यटन बहुत ज़्यादा है, तो जिसलिए जो इसीलिए जो है जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। सबसे लंबा बांध, तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है कहाँ पर, तो ये उड़ीसा राज्य में है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। उड़ीसा में है लेकिन बनाया कौन सी नदी में गया है ये मुझे बताइएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है भारत का, तो सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो कि भागीरथी और बेलंगाना नदी के संगम पे बनाया गया है, टिहरी में, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13वें की कि भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन सबसे पहले किया गया था 4 अगस्त 1949 में, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, पीसी महालनोबिस का नाम आपने सुना होगा, तो उन्हीं की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था 1949 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14वां है कि खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि तीरथ कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तीरथ सिंह ने किया था खासी विद्रोह का नेतृत्व। आप सभी को पता होना चाहिए कि खासी विद्रोह एक्चुअली में था क्या, तो जो मतलब जब अंग्रेज़ थे तो उस वक्त क्या सड़कों का निर्माण करना होता था, तो जहाँ पर से सड़कों का निर्माण जिन जगहों पर करना होता था, जो वहाँ के स्थानीय जो जनजातियाँ होती थी उनसे मतलब ज़बरदस्ती काम लिया जाता था सड़कों पर काम करने के लिए। ठीक है, सड़क बनाने के लिए, तो उसी के विरोध में जो है ये खासी विद्रोह किया गया था। ठीक है, करीब 1830 से 1833 के बीच में जो है ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15वां है कि रवांडा की राजधानी कहाँ है। तो रवांडा की राजधानी है किगाली। ठीक है, किगाली जो है वो रवांडा की राजधानी है। इस तरीके से अगर बात करें बेरूत की, तो बेरूत लेबनान की राजधानी है। अगर हम बात करें ओसाका, तो ओसाका जो है वो जापान में है, राजधानी नहीं है जापान की, जापान में है एक शहर। इस तरीके से मैनचेस्टर की बात करें, तो ये इंग्लैंड का एक शहर है मैनचेस्टर। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16वां है हमारा कि गोलमेज के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। तो गोलमेज के दूसरे सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, और गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से जो है इसमें भाग लिया था। ठीक है, कोई नतीजा निकला नहीं था, तो गांधी जी को खाली हाथ इस गोलमेज सम्मेलन से वापस आना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 17वां है कि भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि वैसे तो इसको टाइगर राज्य के नाम से 2017 तक ही जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन 2017 के बाद कर्नाटक में जो है मध्य प्रदेश से ज़्यादा टाइगर होने लगे, जिसकी वजह से कर्नाटक को भी टाइगर राज्य के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, लेकिन इसको जो आधिकारिक तौर पे जो टाइगर राज्य का जो तमगा दिया गया है मध्य प्रदेश को, वो कहीं ना कहीं ये बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर एक बार फिर से जो टाइगर हैं उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में मध्य प्रदेश ही था, तो हमने सही कर दिया। अगर यहाँ पर कर्नाटक होता तो हम लोग कर्नाटक सही कर सकते थे, क्योंकि कर्नाटक में आप सबसे अधिक टाइगर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18वां है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19वां है कि भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो वैसे तो भैंसा सिंगी जनजाति बहुत से राज्यों में पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः ये नागालैंड में होती है। और आपको पता होना चाहिए कि इनके पास एक वाद्य यंत्र होता है, यानी कि जो बजाने वाला यंत्र होता है वो होता है, जो कि भैंस के सींग से बना होता है, जिसकी वजह से इनको भैंसा सिंगी जो है जनजाति कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20वां है कि जिला कलेक्टर पद किस वर्ष बनाया गया था। मजिस्ट्रेट का जो पद है वो कब सृजित किया गया था, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 1772 में वॉरन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में जिला कलेक्टर का पद जो है बनाया गया था। ठीक है, 1772 में। क्वेश्चन नंबर 21वां है कि भारत में संघ राज्यों का शासन किसके द्वारा होता है।
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। बेसिकली राष्ट्रपति एक उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें, और इसकी जो डायरेक्टली जो शासन चलाते हैं वो राष्ट्रपति ही चलाते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में है कि सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता है, कहा जाता था होगा, सॉरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सी वाला, यानी कि अमीर ए आखुर कहा जाता था अश्वशाला के प्रधान को सल्तनत काल में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये सल्तनत काल से संबंधित जो प्रमुख जो पद थे उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो इसी सीरीज़ का पार्ट होगा वो, तो आप लोग रेगुलर फॉलो करिएगा तो आपको वो वीडियो भी अलग से मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23वां है कि ब्रैबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है, और जिसको हम लोग कई बार ब्रेबॉर्न लिख देता हूँ, पहले मैं ब्रेबॉर्न कह देते हैं, तो दोनों नाम एक ही चीज़ है। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि मुंबई में स्थित है, ठीक है। सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का अंतर है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24वां है कि नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो नेल्सन मंडेला की मृत्यु हुई थी 2013 में, ठीक है, 5 दिसंबर 2013 में नेल्सन मंडेला की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25वां है कि बैटरी का आविष्कार किसने किया था। तो बैटरी का आविष्कार किया था बोल्टा ने, यानी कि ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। करीब 1800 ईस्वी में जो है इन्होंने बैटरी का आविष्कार किया था, ठीक है, इटली के ये वैज्ञानिक थे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26वां है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। इसका मुख्यालय 1845 में यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27वां है कि बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था। तो भारत का हीरा गोपाल कृष्ण गोखले को कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, ऑप्शन डी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28वें की कि काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई वाला, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है काराकोरम दर्रा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29वां है कि आइसलैंड के संसद को क्या कहा जाता है, आइसलैंड के संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई वाला, यानी कि एल्थिंग नाम से जाना जाता है आइसलैंड की संसद को, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30वां है कि हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि खारवेल, जो कि कलिंग का राजा था खारवेल, काफ़ी कह सकते हैं कलिंग का सबसे बहादुर राजा कहा जाता है खारवेल को। तो इसके उपलब्धियों का वर्णन किया गया है हाथी गुफा में। हाथी गुफा उड़ीसा के भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी पहाड़ियाँ हैं, तो वहीं पर स्थित है, ठीक है। तो आपको इसी यहाँ से ध्यान होना चाहिए। तो हमारी इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस सीरीज़ के सभी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप सभी वीडियो देखते हैं तो निश्चित तौर पे आप खुद कमेंट करके मुझे एक बार बताएंगे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन फंसे थे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।